जय शिव शंभू सभी भाइयों को। मैं विक्की वर्थवार आपका भाई आज फिर से हर की पौड़ी हरिद्वार आया हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में आपको माँ गंगा जी के दर्शन कराऊंगा, साथ ही साथ दिखाऊंगा मौसम का हाल, हरिद्वार के बारे में सारी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना रेड कलर का बटन दबा के, जो कि एकदम फ्री होता है। वीडियो को लाइक करना मेरे मोटिवेशन के लिए। मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर और व्यू बहुत कम आ रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है हरिद्वार में। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जब कोई इस धरती से चले जाता है तो हरिद्वार हर कोई आता है उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, तो किस तरीके से सारी प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी वीडियो में देखी जाएगी। ये यहाँ देख रहे होंगे दो दो पंडित जी हैं जिनके घर कोई मरा हुआ है, वो लोग आ रखे हैं, अस्थियाँ लेकर आ रखे हैं। पंडित जी उनकी पूजा पाठ करवा रहे हैं, अस्थियों की पूजा कर रहे हैं, अस्थियों को छांट रहे हैं। यहाँ भी देखिए लोग मरने के बाद भी लोग कितना वो करते हैं, पंडित जी उस अस्थियों में से ये छाट रहे हैं, कहीं सोने का टुकड़ा तो नहीं मिल जाएगा, जो लोग नाक में डालते हैं वो सोना तो नहीं मिल जाएगा। पंडित जी यहाँ भी मतलब मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ रहे, पूरी तरीके से वही देख रहे हैं। पूजा पाठ गई भाड़ में, पहले में इनकाम है वो ज़रूरी है। सहारनपुर से आ रखे हैं लोग, मैंने पूछा था। हरिद्वार के बारे में बता दूँ तो इस टाइम पर गंगा जल काफ़ी ज़्यादा है, नदियाँ एकदम उफान पर हैं, पहाड़ों में बारिश हो रही है। हरिद्वार से ऊपर जाने का ना सोचे बिल्कुल भी, हरिद्वार तक ही आने का सोचे। पानी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पानी मज़ा काफ़ी आ रहा है इस टाइम पे, गर्मी भी कम है, मौसम काफ़ी बढ़िया है। परिवार के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।